अल्लाह, ये देखें जी, रात को सोए हुए जब हम उठे तो सुबह को ये ड्रम में थोड़ा सा पानी था, वो भी बर्फ़ जम गया है और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ताज़ा फ्रेश बर्फ़ है। जबकि हम रात को सो रहे थे तो मौसम बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन था। अभी देखो पूरे 6 से 7 इंच बर्फ़ पड़े हैं और तमाम टेंट्स, वो आप दूर देख सकते हैं, टेंट्स के ऊपर भी बर्फ़ पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है यार। सुबह को मुंह धोना, यहाँ पे मुंह धोना कितना मुश्किल है जब तक गर्म पानी ना करें, और गर्म पानी करने के लिए भी चूल्हे को गर्म करना, माचिस लगाना, ये चीज़ें भी हाथ काम नहीं करते, हाथ पाँव भी काम बिल्कुल नहीं करते, सुन हो जाते हैं सुबह के टाइम। और मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मेरी वीडियोस देखने वालों के लिए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा ठंड में भी। ये एक टेंट है, मेंबर टेंट जो कि इसमें सोते हैं ये भी, और बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं, बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं, और अंदर अभी भी सो रहे हैं हमारे क्लाइंट्स, सो रहे हैं अभी भी। देखो बहुत मुश्किल है इस दौरान सफ़र भी करना। देख, एक आदमी अंदर से अपने टेंट को ढके देके साफ करे ताकि ऊपर से जो बर्फ़ है वो साफ़, उसकी सफाई हो, हट जाए वो बर्फ़। कितना मुश्किल लाइफ है यार ऐसे, और ऐसे होते हैं माउंटेंस पर। इस वक्त हम G2 माउंटेंस बेस कम पर, माउंटेन के ऊपर नहीं, बेस कम पर है, जो माउंटेन की हाइट से बहुत ज़्यादा कम है, और जो ऊपर जो माउंटेंस पे है उनकी क्या हाल होगा। ये किचन है, ओहो हाल, काम करने के दिल करते हैं हमारे दोस्तों को, ये सारे बहुत सारे सोर्स वगैरह हर तरह के यहाँ पे खाने बनाए, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि ये सारे चीज़ें लेके आया है म्यूल्स पर, घोड़े पर चढ़ा कर लेके आए हैं। यहाँ पे तो रोड वगैरह सिस्टम तो नहीं है, ट्रैवल करके ट्रैकिंग करके यहाँ आना पड़ते हैं। तो एक महीने की हमारी ट्रैकिंग है यहाँ पर, एक्सपीडिशन है 1 महीने की। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।